पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू एक फ्रॉड नेता है और वे जुमलेबाजी के अलावा कुछ और नहीं है। ये कहना है भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अनिल जोशी का, जो कि लोकसभा गुरदासपुर के उपचुनाव को लेकर भाजपा के नेता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। अपनी तरफ से चुनावी तैयारी में भाजपा नेता जुट चुके हैं और वहीं इसी के तहत भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अनिल जोशी की तरफ से भी भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई। गुरदासपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से लोकसभा गुरदासपुर के उपचुनावों को लेकर भाजपा नेता मुलाकात कर रहे हैं और चुनावी लड़ाइयां भी शुरू हो चुकी हैं। इसी के तहत डेरा बाबा नानक और बटाला में पहुंचे भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अनिल जोशी पहुंचे और वहीं पत्रकारों से बात करते हुए अनिल जोशी का कहना था कि चाहे अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से पार्टी की जीत को निश्चित करने के मकसद से तैयारी शुरू कर दी गई है। और वहीं उम्मीदवार कौन होगा के सवाल पर अनिल जोशी का कहना था कि भाजपा पार्टी जिससे भी मैदान में उतारेगी वे नरेंद्र मोदी का चेहरा ही होगा और वे लोगों से भी नरेंद्र मोदी और भाजपा के नाम पर वोट मांगने की नीति पर चलेंगे। वहीं अनिल जोशी ने दावा किया कि लोग कांग्रेस पार्टी की नीतियों और झूठे वादों से तंग है और जीत भाजपा की ही होगी। देखो साड़ी पार्टी जिहड़ी है वो नेशनल पार्टी है, जो मैं कहूँ दुनिया की सब तो वध मैंबरशिप वाली सब तो वड्डी पार्टी पूरी दुनिया के पूरे वर्ल्ड के अज भारतीय जनता पार्टी सानू इस गल का माण है कि सब तो वध मैंबरशिप वाली पार्टी है। तो केंद्र दे विच तुहानू पता ही है सारयां भी साड़ी पूर्ण बहुमत दे नाल सरकार नरेंद्र मोदी जी दे नेतृत्व चल रही है। मैक्सीमम स्टेट्स जिहड़ियां हैगियां उहदे विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस करके साडा कार्यकर्ता जिहड़ा एक संस्कारित जड़ दे नाल जुड़िया कार्यकर्ता, इहनू कोई इहदे नाल मैना नहीं कि कौन कैंडीडेट है। कैंडीडेट भारतीय जनता पार्टी केंद्र ने तय करना, श्री अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अरुण जेटली जी ने, जिहड़ी पार्लीमेंट्री बोर्ड उहने तय करना। कार्यकर्ता ने सिर सुट के काम च लग जाना, यह साडी रीति रीति है। इस करके इत्थे किसे नू इस गल नाल नहीं है कि कैंडीडेट कौन होगा, इत्थे सब नू इस गल नाल है कि असीं हर हालत दे विच अपना जिहड़ा इह गुरदासपुर सीट का झंडा जिहड़ा वा उह उत्थे पार्लीमेंट बरकरार रखना। इस करके इत्थे कैंडीडेट कोई भी होगा मोदी जी कैंडीडेट होने हैं। इस करके ये जे कैप्टन तुसीं आंदे जे पता नहीं की अनाउंस कर गए, इन्हां की अनाउंस करना, दसां सालों का डिवेलपमेंट का इतिहास है एक बड़ा वड्डा पंजाब च। जो भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की सरकार ने करता सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के नेतृत्व में पंजाब च भी, वह भी इतिहास है एक डिवेलपमेंट का। इन्हां कोल इस वेले छे महीनों इन्हां नूं पता ही नहीं गा करना की आ, हले तक तो लोग तराई तराई कर रहे हैं। लोगों पेट जिते मर्जी तुसीं किसी नूं पुछ लो जिन्हां ने वोटां उन्हां नूं पाईआं भी मत्थे ते हत्थ मारदे आ। बाकी दूजी जिहड़ी है अपना आम पार्टी की गल करदे जिहदा ते हुण तुहाडे सामने जो हाल हो गया दिल्ली च, हुण दसो कुसकदा कितें, हुण कुसकदा ही नहीं है। अद्धे बंदे उहदे जेल च चल गए आ, बाकी भज्जण नूं फिरदे आ। तो उत्थे जिस तरह फेलीयर होया उन्हां दा दिल्ली दे विच ते पंजाब दे विच, उह आंदे ही भंगड़े पाउण नूं तैयार सी, हलवाई लाए सी, कित्थे कनेडा अमरीका तक वी हाल बुक कराए ही। तो जो हाल होया पंजाब दे लोकां, पंजाब दा वोटर बड़ा सूझवान आ। ठीक है बदलाव होया, एंटी इनकंबेंसी आ जाती है, 10 साल बाद कुदरती बंदा सोचता चल यार बदल के वेखिए कुछ चंगा हो जाए, पर 6 महीनों जी लोगों को पता लग गया असीं बहुत वड्डी जिहड़ी गलती कर बैठे हैं इस सरकार नूं लिया के। इस करके इन्हों का जिहड़ा ना हुण सारा बिल्ली थले तों बाहर आ गई, जो झूठ बोले सी इन्हां ने तुहाडे सामने आ। वहीं इसके साथ ही अनिल जोशी ने पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को आड़े हाथों लिया और कहा कि सिद्धू एक फ्रॉड नेता है और उनके पास महज जुमलेबाजी है। और इसके साथ ही अनिल जोशी का कहना था कि नवजोत सिंह सिद्धू एक झूठा नेता है और जब वे मेंबर पार्लियामेंट था तब भी उसने कोई काम नहीं किया और अब भी वे पिछले 6 महीनों से महज वादे कर रहा है, दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत पर कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल फ्रॉड बंदा, दो पैसों का अज तक काम नहीं किया। मैं कैंप ऑफिस बैठता सी रोज़ 500 बंदा डील करता सी, मैं चंडीगढ़ बैठता सी रोज़ सारा पंजाब डील करता सी, कौंसलर आउंदे सी, मेयर आउंदे सी, MLA आउंदे सी, उन्हां नूं इज्जत माण भी देईदा सी, काम भी करके भेजीदा सी। 6 महीने दीआं फरौडियां चलन डईआं वा, लाला लाला हो रही आ, बुरा हाल आ, करप्शन थल्ले वध गई आ। पर यह आ भी उहनूं कोई अपने जुमलेबाजी तों उबेल नहीं आ। अखबार दे विच देखो उन्हूं एक मंत्र लब गया कि गप्पा मार के हाहा करके लोगों नूं खुश हो जाते हैं तो की लोड़ काम करन दी। पर डायरैक्ट ड्यूटी जिहड़ी आ ना इस वेले उन्हूं मिली आ पंजाब दी, एक मिनिस्टर जिहड़ा उहदी जवाबदेही हुंदी आ। इह पार्लीमेंट मैंबर 10 साल रहा, तुसीं दसो 10 सालां दो पैसों का काम नहीं, तुसीं जाके अमृतसर पार्लीमेंट सीट है भी, बटाला भी रहा, विचों 5 साल तो बटाला भी रहा,
ਬਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਦੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਹ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਪੁਲ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਆਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਆਹ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਥੱਲੇ ਅੰਨੀ ਪਈ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਟੌਰ ਬਣਾ ਲੂਗਾ, ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਭੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਸ ਕੇ ਲਈ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।